Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे अहम मुद्दों में से एक बेरोजगारी दूर करने के लिए नीतीश कुमार सरकार ने कवायद शुरू कर दी है। नई पारी शुरू होने के 24 घंटे के भीतर ही राज्य सरकार ने सभी शासकीय विभागों से खाली पदों का ब्यौरा मंगाया है। बताया जा रहा है कि विभागवार पदों को भरने के लिए जल्द ही विज्ञापन जारी किया जा सकता है। नई पारी की शुरुआत में ही नीतीश सरकार बड़े पैमाने पर सरकारी विभागों में बहाली कर सकती है। सामान्य प्रशासन विभाग से खाली पदों का ब्यौरा देने को लेकर एक पत्र जारी किया गया है। पत्र में कहा गया है कि विभागीय प्रमुख बताएं कि उनके यहाँ स्वीकृत पदों के विरुद्ध कितने पदों पर संविदा या नियोजन द्वारा कितने लोग काम कर रहे हैं, पहले से नियुक्ति लोगों के अलावा कितने पद खाली पड़े हैं जिन पर संविदा के आधार पर नियुक्ति की जानी है, संविदा या नियोजन के लिए प्रक्रियाधीन पदाधिकारियों और कर्मियों की संख्या कितने हैं। सरकार ने अपने अधिकारियों को कहा कि रिटायर कर्मियों का संविदा नियोजन छोड़कर अन्य सभी पदों का ब्यौरा सर्वोच्च प्राथमिकता देकर तुरंत उपलब्ध कराएं। बता दें कि विधानसभा चुनाव 2020 में महागठबंधन ने सरकारी नौकरी और रोजगार को ही बड़ा मुद्दा बनाया था। महागठबंधन ने वादा किया था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो 24 घंटे के भीतर ही 10 लाख नौकरियां देने की कवायद शुरू होगी। मुद्दों को समर्थन मिलता देख एनडीए ने बाद में 19 लाख नौकरियां देने का वादा कर दिया। अब एनडीए की सरकार बनने के बाद उसी वादे को पूरा करने की कवायद की जा रही है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए एक प्रकार का महागठबंधन ने संदेश दे दिया है कि हमारे अधिकार हैं कि हम जो है एक दिन में 10 लाख नौकरियों पर साइन कर सकते हैं। उसको लेकर अब जो है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार एक्टिव मोड में दिख रहे हैं और उन नौकरियों को निकालने के लिए इस प्रकार की प्रतिक्रिया उन अधिकारियों को जारी कर दिया है। न्यूज रूम से न्यूज लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.